स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट में। अभी तक हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे, आज हम लोग फिजिक्स की भी क्लासेस आपसे अवेलेबल कराने जा रहे हैं। हम लोग अपनी कोचिंग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, जो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने शायद आपको जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें बताया था कि हम लोग जो गॉस थ्योरम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट अभी हम गॉस थ्योरम नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का चैप्टर, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं और क्वेश्चंस हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। गाइस आज हम लोग पहले से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, आप लोगों को कोचिंग में अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताई थी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग का एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, जहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आने पर या तो रिपल्शन फोर्स को फील करता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स को, यानी कि वो या तो वो उस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन का एरिया होता है उस वाले इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है या फिर उससे बाहर जाता है। ये होता क्यों है, इसको डिस्कस करने के लिए एक यहाँ पे एक वर्क होता है, और उस वर्क और चार्ज में क्या रिलेशनशिप होते हैं, इससे को हम पढ़ने के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। आते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में और पढ़ते हैं। गाइस जैसे हम लोग अभी मैंने बताया था अभी कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन मैं बोलूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा नहीं, या फिर लिख के दे देता हूँ, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं होता क्या है वैद्युत विभव। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमें इस पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लाना है। मान लो हमें एक दूसरा कोई प्लस चार्ज लाना है, ये कोई एक चार्ज का, मान लेते हैं किसी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमें कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट इसके अंदर लाना है, ठीक है। ये आपका जो इस एरिया का बाहर का जो एरिया होगा, मतलब इस जो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना बाहर का एरिया होगा उसे हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। और अगर अनंत से किसी भी बिंदु किसी आवेश को, यानी किसी परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत के किसी भी बिंदु से, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान लो ये बिंदु ए है, यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन होता है, यानी हम जहां से अनंत से हाथ उठा के यहाँ पे ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए, तो इस यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, हमें कार्य करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इसी को जो वर्क होता है उसे ही बोलते हैं अनंत से और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी हमें वर्क करना पड़ा, इसे ही वैद्युत विभव बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। हमने डिफिनेशन लिख ली है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, यानी जो कार्य करना पड़ता है, उसे बोलते हैं वैद्युत विभव कहलाता है। मोस्टली इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते। मैंने बताया था कि अनंत से, मान लो अनंत है, यहाँ से इस पॉइंट, इस जो जो चार्ज है इसे यहाँ तक लाने में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन किया जाता है वही होता है वैद्युत विभव। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे बोलते हैं। ये वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, और क्यू नॉट क्या है, एकांक परीक्षण आवेश, यानी जिस आवेश को कहाँ कहीं बाहर से इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। और ये है आपका फॉर्मूला, वैद्युत विभव किया गया कार्य बटे परीक्षकांक परीक्षण आवेश। अब इसके बाद आता है, बात आती है इसके मात्रक की। इसके दो मात्रक, पहला मात्रक तो जैसे क्लियर होता है, वर्क का मात्रक जूल होता है, और ये इसका कूलाम, तो इसका क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। या फिर दूसरा मात्रक होता है किसे, इसका क्या होता है, वोल्ट। एक दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसकी विमा अगर बात की जाए, इसकी जो विमा होती है, इसकी विमा, तो विमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, वर्क की विमा, और क्यू नॉट की ए इंटू टी, यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगी, और ए इनवर्स ये हो जाएगी इसकी विमा,
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मान लो अगर इसका जो एकांक परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मान लो किसी भी माना जो इसके अंदर जो आवेश है चार्ज की, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क करता है माना क्यू तथा क्यू नॉट के बीच का जो बल के बीच एफ फोर्स वर्क करता है, कैपिटल एफ बल कार्य करता है। मेरी हिंदी थोड़ी सी गंदी है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो जो इसका जो न्यूट मैंने एक कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा, उसके लिए उस कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग कूलाम के नियम से अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मान लेते हैं इनके बीच जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान आर है तब, ठीक है। अगर अब लेट कर ले, अब इसके बाद एफ हो गया, सो यहाँ पे वर्क डन कितना, नहीं कि अतः जो कार्य किया गया होगा कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी यानी कि विस्थापन बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन कितना है यहाँ से आर आर विस्थापन तय कर रहा है, सो यानी एफ इंटू आर हो जाएगा डी की जहां पे यहाँ पे, और यहाँ पे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से आर का स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बना, सॉरी सेकेंड इसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपका सेकंड है और यहाँ पे इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ये जो आपका इक्वेशन बना था इसे इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन जो सेकंड सॉरी के इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को समी इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। रखने पर अब देखो रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और डब्ल्यू की वैल्यू वहाँ पे क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर हमने निकाली और यहाँ से क्यू नॉट, तो वी इज इक्वल टू इतना मिला, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ये आपको एक फॉर्मूला मिला कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज जाता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ और कल आगे पढ़ेंगे एक्सियल और नॉन एक्सियल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके डेरिवेशन पढ़ेंगे और फिर इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम आपके लिए डेली रोज नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, पढ़ते और पढ़ाई कराते रहेंगे आपके लॉकडाउन में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से फॉलो करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।